we're एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सो कैसे आप सभी लोग आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे तो आ गया है जन्माष्टमी स्पेशल का सेकंड पार्ट एंड आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं नंद भवन कोई तो इस बार भी बनाए कि पिछली बार भी तो तूने नंद भवन बनाया था तो वही वाला इस बार भी दिखा देना अरे टूटू पिछले साल वाला भी है का लेकिन इस बार ना थोड़ा नए तरीके से बनाएंगे तो इस बार जैसे कि हम नंद भवन बना रहे हैं पिछले साल भी बनाया था तो पिछले साल ना जैसे कि बनाया था थोड़ा सिंपल बनाया था क्योंकि टाइम बहुत कम था तो सारी वीडियोस जो थी ना थोड़ा सिंपल करके बनाई थी मैंने लेकिन इस बार ना मैं सोच रही हूँ घर भर, भर के डिटेल्स वगैरह ऐड करूँ तो इस बार थोड़ा और नए तरीके से हम नंद भवन बनाने वाले हैं पिछले साल भी मैंने वैसे बहुत अमेजिंग वीडियोस बनाई थी जैसे कि कंस कारागार कालिया नाग वाला सीन और यमुना नदी का नंद भवन भी बनाया था तो उन सभी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अगर आपने नहीं देखी है वीडियोज तो जाकर देख लीजिए साथ ही पास पार्ट में जो मैंने कल बनाया था यमुना नदी वाली झांकी बनाई थी मैंने वासुदेव जी की तो वो भी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं तो चलिए फटाफट फ़ड़ से वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ये कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस ले लिए थे जो कि अलग अलग शेप में मैंने इस तरह से कट किए और अब मैं इस पर सबसे पहले तो ये कलर अप्लाई कर दूंगी चारों ही पीसेस पे मैंने सेम कलर अप्लाई किया था और येलो कलर से ना मैंने इसमें कुछ ये डिजाइन बना दिए थे जो की सच में मुझे बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे और मतलब वैसे मैंने शुरू में सोचा था कि व्हाइट कलर से बना लेती है लेकिन क्योंकि ना मेरे पास में वाइट कलर खत्म हो गया था और मैंने तभी ध्यान दिया था तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं येलो कलर से बना लेते हैं तो इन तीन पीसेस पर मैंने डिजाइन बनाया थे। थे पे नहीं बनाया था क्योंकि वो बैक साइड रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है उसके बाद में हम यहां पर ये दरवाजे बनाए तो मैंने एक पिंक कलर का पेपर ले लिया है हार्ड पेपर और उस पर मैंने रेड कलर से कुछ डिजाइन बना दिए थे और यहां पर मैंने एक छोटी सी खिड़की बनाई है अब पेन में ही जो एक रिपिल आती है ना वही मैंने कट करके यहाँ पर खिड़की में लगा दी थी और ये दरवाजे से मैंने इस तरह से अटैच कर दिए थे उसके बाद में अब जो ये चारों ही पीसेस है ना उन सभी को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से अटैच कर देंगे तो यहाँ पर जो हम घर बना रहे हैं ना तो ये मैंने एक मतलब एक पीस बनाया अभी इस तरह से तो वो यहाँ पर ये हमारा घर इस तरह से बनकर रेडी हो गया उसके बाद में नीचे की साइड का पार्ट भी हमें रेडी करना है तो ये मैंने कार्डबोर्ड अटैच कर दिया इस तरह से और यहाँ पर मैंने ना बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट ब्राउन कलर अप्लाई किया था ये आप देख सकते हो और ये मैंने पूरे पर चारों तरफ इस तरह से अप्लाई कर दिया था और ये जो हमारा घर है ना इसको मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी इस तरह से और नीचे की साइड भी मुझे यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस बनाने थे तो वो मैंने व्हाइट कलर से बनाए थे तो क्योंकि मैंने बाद में वाइट कलर मंगवा लिया गया था तो फिर मैंने सोचा कि येलो कलर से नहीं बनाऊंगी क्योंकि इतना ज्यादा अच्छे से दिखेगा भी नहीं तो यहाँ पर मैंने सोचा कि व्हाइट कलर का ही कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक भी रहेगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर से यह डिजाइन बना दिया था छोटी डिजाइन बना रही है या? लग रही है अरे टूटू मैं मेहंदी वहन्दी नहीं लगा रही हूँ तो अभी देखता जा तो यहाँ पर ना ये डिजाइन कम्पलीट करने के बाद में मैंने ना यहाँ पर ये यह कुछ न्यूज पेपर थे न्यूज पेपर की जगह अगर आपके पास कोई हाइट पेपर है तो वो भी यूज कर सकते हो तो इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर ना मैंने ये व्हाइट स्पार्कल वाला ये टेप अटैच कर दिया था तो उसके बाद में अब मैंने न्यूज पेपर और लिया इस पर मैंने कोई टेप या ऐसा कलर वगैरह कुछ नहीं किया था क्योंकि इतना ज्यादा दिखेगा भी नहीं बट जो साइड के पीसेस मैंने लगाए थे ना वो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया था

होती है ना वो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पहले तो मैंने सोचा था कि वो जो सूखी वाली घास होती है ना उससे बना लूंगी लेकिन वो ना मुझे मिली नहीं फिर मैंने सोचा कि इसी से ट्राई करके देखती हूँ अच्छा लगे और जब ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था ना सच में ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था मतलब जो पहले टाइप में घर होते थे ना वो सब मतलब इस तरह से लग रहा था आप खुद ही देख लीजिए पूरी छत पर मैंने इस तरह से ये पूरा इस तरह से अप्लाई कर दिया था जो जूट वाली रस्सी है उसको मैंने इस तरह से फैलाती गई और पूरा इस पर अप्लाई करती गई थी पूरा मैंने इसको ऐसा ढक दिया था तो काफी मतलब सुंदर लग रहा था मुझे तो ये तो इसके बाद में आप हम कुछ और चीजें भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक पिंक कलर का पेपर ले लिया है रेड दिख रहा होगा ये लेकिन ये थोड़ा ना पिंक कलर था इसका तो इसके बाद में मैंने वाइट कलर से इसमें ये लाइंस बना दी थी यानी कि जो ईंटें होती है ना इस टाइप का डिजाइन हमें इस पर बना देना है पूरे पेपर पर तो डिजाइन बनाने के बाद में मेरे पास में ना ये जो लेस होती है जो हम मार्केट से लेस लाते हैं तो वो लेस जिस पर लिपटी हुई आती है ना तो वो यहाँ पर ये प्लास्टिक का पीस था तो ये मेरे पास रखा था काफी टाइम से तो मैंने इसी से सोचा कि इसी से कुछ बना लेते हैं तो यहाँ पर ना मैं कुआ बना रही हूँ तो इसके चार

हल्का हल्का सा अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने ना यहाँ पर ये पहले व्हाइट कलर अप्लाई किया उसके ऊपर से ब्लू कलर अप्लाई कर दिया था ताकि अच्छे से शाइन करे करिए तो कलर अप्लाई करने के बाद में एक छोटी सी मैंने पेपर से ये बाल्टी बना दी थी और एक धागे में इसको लटका दिया था इस तरह से तो अब हम इस कुएँ के ऊपर इसको लटका देंगे इस तरह से तो हमारे क्यूट सा छोटा सा कुआ भी बनकर रेडी हो गया है काफ़ी सुंदर लग रहा था मुझे तो ये भी और इसके बाद में अब मैंने सोचा कि एक तुलसी का जो पौधा होता है ना वो भी मैं यहाँ पर बनाकर तैयार करूंगी तो मैंने एक ब्राउन कलर का हार्ड पेपर ले लिया है और उसके ऊपर से मैंने व्हाइट कलर से इसमें कुछ डिजाइन बनाने शुरू कर दिए सच बताऊ ना तुलसी तो का जो पौधा होता है ना वो इस टाइप के डिजाइन में जो गमले होते हैं जो घर पर ही बना लेते हैं या बनवा भी लेते हैं वैसे तो इस टाइप के जो डिजाइन होते हैं ना उस पर बने हुए वो सच में मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं और इसी चीज को सोचते हुए ना मैंने यहाँ पर भी कुछ इस तरह से इसमें ये डिजाइन बनाए थे वाइट कलर से पूरा इसमें मैंने ये अलग अलग तरह के ये डिजाइन बना दिए थे जो कि सच में बनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था जैसे रियल वाले होते हैं ना उसी टाइप के थोड़ा सा लग रहा था तो अंदर की साइड में फेविकोल से मैंने ये कुछ छोटे छोटे से कार्डबोर्ड के पीसेस लिए और अंदर साइड से इसको अटैच करते हुए पूरा मैंने इसको चारों तरफ से ना ऐसे फोल्ड तो तो जो कि हम तो इसे वैसे, वैसे विद्या का पौधा बोलते हैं बाकी आप लोगों के यहाँ वैसे क्या बोलते हैं ना मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो वो मैंने इसकी एक छोटी सी कली ली थी और वो मैंने इसमें अटैच कर दी थी तो ये हमारा गमला भी बनकर रेडी हो गया था इसके बाद में हमें मेन दरवाजा बनाना था जो कि मेन डोर होती है वो वहाँ का बनाना था तो उसके लिए ना मैंने न्यूज़पेपर के पेपर्स फोल्ड कर लिए थे और ये मैंने दो पेंट की बोतल ले ली थी कार्डबोर्ड का पीस ले लिया था इन सभी पे कलर कर लिया था व्हाइट कलर से मैंने डिजाइन बना दिए थे तो इनको मैंने इस तरह से अटैच कर दिया और ये जो बोटल है ना इनको मैंने ऐसे ही रहने दिया तो चलो आप थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर लेते हैं टू तू इसे पहले पूरा बनने तो दे उसके बाद में जो रहा हूँ ना तब बोल लियो तो ये ना मैंने घर जो बनाए कि मैंने सेम दो घर बनाए थे इस तरह के और कुछ इसमें सामान ऐसे हैं जो मैंने पिछले साल पिछली वीडियो में बनाए थे तो वो मैंने इस बार भी यूज़ कर लिए जैसे कि यह बैलगाड़ी है ये मैंने नंद भवन में बनाई थी और ये जो दही हांडी है ना वो मैंने दही हांडी वाले पार्ट में बनाई थी और इसी के साथ एक गैया मैया है वो भी मैंने पिछले साल बनाई थी नंद भवन के लिए ही तो उन सभी की वीडियोज़ भी वैसे आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी तो आप लोग देख लेना तो यहाँ पर कुछ पत्थर और कुछ ये फ्लावर्स वगैरह थे वो मैंने इस बार यूज़ किया है और ये जो कि पिछले साल मैंने रासलीला में बनाई थी तो वो भी मैंने यहाँ पर रख दी थी कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी आज की वीडियो थे हमारी आज की वीडियो जिसमें की मैंने बनाया यहाँ पर ये नंद भवन और आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई वैसे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत मजबूला समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आधे राधे